दो तीन बार फेल हो चुका है ना इसका रेस्क्यू, दो बार उसको टीवीटी है ना, तो उसको हम कैचिंग के लिए पहले भी गए हैं दो तीन बार, तो वो दीवार कूद के भाग जाती है, या नेट दिखा गाड़ी दिखी तो देख के भाग जाती है। कुछ भी नहीं समझ आ रही है क्योंकि पांच छह पॉइंट अब आगने के हम बंदे हैं चार, दोनों निकाल दिए हमने नेट, आप दोनों यहीं खड़े हो जाओ। नेट चढ़गी दीवार पे, चढ़गी ऊपर की तरफ भागी है उधर से ना, अब डार्ट गन से करेंगे नीचे उतर गई अभी, उतर उतर गई, मार 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 नहीं बजना था। वो थी तो पास में ही, वो चल रही थी, मुझे लगा कि गलत ना बजाए इसलिए मैंने उस पे ऊपर डार्ट गन मारी नहीं थी। नहीं लाएगा सबसे कुत्ती एक एक किलोमीटर भाग रही है। रेस्क्यू तो आसान ही रहेगा मेरे को जितना लग रहा है, बैल बैठा हुआ है। हाँ बैठा तो है लेकिन रस्सा पानी से एकदम उठेगा तो पता नहीं क्या करेगा। तो बुरा हाल है इसका, तो भाई तेरे को ठीक करने ले जा रहे हैं, बस 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 आप सबको लग रहा होगा कि इस बुल को नवीन भाई ने धक्का मार के गिराया, लेकिन ऐसा नहीं था, वो बुल खुद अपने मर्जी से गिरा था। सर हिस्ट्री तो नहीं पता कैसे हुआ है, लेकिन उनको बस यही देखा था कि बूंद है बहुत ज्यादा ना, तो करंट इवेंट है ये लात वात मारने वाले लगने से लग रहा है मुझे कि गर्दन कितनी मोटी है। तुम्हारे समय से पहले एक वो आती थी नागराज कॉमिक्स, उसमें एक कैरेक्टर था थोडांगा, उसकी कछुए वाली बैक है और गैंडे वाले ऐसे सींग है, ये वैसे ही लग रहा है। दीदी ऐड का ट्रीटमेंट कर रहे हो क्या? नहीं पड़ोसी का। कैसे चल रही है इसकी रिकवरी, क्या करेंगे इसके पैर के साथ? अब इसके अगली और पिछले तो दोनों पैरों में चोट थी ना, क्या लगता है दीदी आपको ये ठीक हो पाएगा? जवाब तो दो यार दीदी प्लीज। हमें एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों रिपीट कर दे रहे हैं, मेरे मुंह में एड की जो इंजरीज है उसके लिए तो हम लोग उसकी बूंद को मतलब फ्रंट लेग और हाइंड लेग के बूंद को अच्छे से क्लीन करते हैं डाइल्यूटेड बिटाडिन के लिक्विड से, और उसके ऊपर हम शुगर सिरप अप्लाई करते हैं जिसकी हीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मली लोग हनी अप्लाई करते हैं बट शुगर सिरप भी उतना ही बेटर काम करता है वूंड्स के लिए। मैं आपको झिलमिल से मिलवाता हूँ, जिस पर चार दिन हुए नहीं है फार्म पर और ये ज़्यादा हीरोइन बन रही है, गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन अगर हम कोई पंखा ऑन कर लें, पंखे नहीं पसंद हमारी, भैया चप्पल उठा उठा के उधर जा रही झिलमिल। शेम ऑन यू झिलमिल। तो आप डांटते नहीं उसको? सुधार ना भैया उनको, बच्चों को डांटोगे नहीं तो सुधरेंगे कैसे? सुधार लेते हैं भैया हम प्यार से। एरिया का ही? हाँ हाँ हमारे एरिया का ही है। इसका जो ये लेफ्ट लेग है ना यहाँ पे, ये प्लेस नहीं कर पा रही है। हेलो सुंदर, ये स्ट्रे है इतना साफ सुथरा सा, हमारे घर तो रैंडमली आया है। हाँ। और जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था किसने पाला है थोड़े टाइम के लिए। हाँ। ओके। बस एक बार देखूंगा फिर तंग नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, तीनों फ्रैक्चर है ना इसे, ऊपर का हिस्सा जो है पैर का वहाँ पर फ्रैक्चर है, तो होगी तो सर्जरी इसकी ना उसके लिए, लेकिन पालमपुर में पहले एक्सरे कराना होगा। अब प्रॉब्लम ये आना कि जो हमारी टीम है हर बार एक्सरे के लिए जाती है और वो एक्सपोजर इनकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो एक हेल्प जो हमें आपसे लगेगी वो ये कि आप इसका अगर एक्सरे करवा कर ले आते हैं पालमपुर से, सुबह हम गाड़ी लेके आएंगे इसे पालमपुर से एक्सरे करा के वापस आपके पास के। दो बैल लेकर आए हैं, इस वाले बैल को हम लेने गए थे छतड़ी, इसके पीछे टेल वाले रीजन के पास वो वुंड है, काफी डीप भी है। जब इसको हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे, मतलब साहिल गया था रेस्क्यू पे, तो उस टाइम पे ये बुल उनको दिखा जिसके गले में बड़ा टाइट रस्सी थी, रस्सी निकालने गए तो देखा कि आगे वाले खुर में काफी ज्यादा ब्लीडिंग है ना, तो इसको भी साथ में रेस्क्यू करके ले आए। इंजरी इसका काफी ज्यादा डीप था, इस वजह से इतना टाइम लग गया ना, बहुत ज्यादा डीप था। इंजरी ठीक हुई, फिर हमने इसकी लास्ट वीक स्पेस सर्जरी की, फिर अब इसको रिलीज करे। मोटी हो गई ना ये पहले से? अग्रेसिव लग रहा है एक्चुअली। ऐसे अग्रेसिव नहीं है, बस पसंद नहीं करती है ना ज्यादा। टच मी नॉट।
तो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। उसको फ्रंट लेग में खुर के पास वुंड था और हाइंड लेग में भी इंजरी थी उसको। अच्छा। दोनों अच्छे से ठीक हो गया था। जो भी लिवर डैमेज था वो भी हमने करेक्ट करवा लिया था इतने समय में। उसके बाद भी 2-3 दिन वो हमारे पास था ऑब्जर्वेशन के लिए, फिर जाके हमने उसको रिलीज़ किया है। बाकी जानवरों में हमने चाचू को इको विलेज शिफ्ट कर दिया है। हम कास्टेशन के लिए लेके आए थे ना यहाँ पे, वो हो गई, अब रिकवर हो गया, अब वापिस इको जा रहा। चलो आहट थोड़ी सी बेटर फील कर रही है। वो एकदम वीक हो गई थी और लगातार उसका लगभग ग्राफ नीचे जा रहा था, बट अभी वो स्टेबल कंडीशन में है। अगर तुमको दिख रहा होगा उसका जो लंपी जॉ था वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है अब ना। हमने सोडियम आयोडाइड शुरू किया था उसके बाद ये थोड़ा सा बेटर हुआ है। बेटी जी ने हाइलाइट्स करवाए हैं। बेटी जी ने हाइलाइट्स करवाए हैं। अच्छा, हाँ। वाईफाई रिलीज हो रही है मैंने सुना जी। इसके साथ अगर मैं भी रिलीज हो जाऊँ तो कैसे करेगा? नहीं, आपको हम रिलीज नहीं होने देंगे ना। बड़ा बकवास था ये। फिर इसके पेट में वाइब्रेंस था जिसकी वजह से उसके मेमोरी ग्लैंड भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसकी स्पेस सर्जरी भी हमने कर दिया और अब उसको रिलीज करने जा रहे हैं। पहले बाहर रहता है ना? नहीं, घर में बंधा हुआ रहता है। ये तो बोल रहे बंधा रहता था डॉग। और अब कह रहे थे कि ये डॉग बाहर गलियों में घूमता है, लोगों को परेशान करता है। हाँ। नहीं परेशान पता क्या, घुमाने वाला कोई नहीं है इसको। अडॉप्ट फिर आपने क्यों किया? बच्चे नहीं जिद करते हैं और बच्चे चले जाते हैं स्कूल में, फिर के लिए क्या करने दुकान करती हूँ ना। रख तो छोटा सा लिया था, बाद में हमें क्या पता था क्या परेशानी उठाने पड़ती है इसके लिए भी। इधर खड़े हैं कुत्ते, वैसे सेफ है, खाना मिल जाता है। कई बार हम ऑब्वियसली चीजें भूल जाते हैं कि एक छोटा पपी आगे जाके एक बड़ा डॉग बनेगा। तो अगर आप बच्चों की जिद पे कोई पपी ला रहे हैं तो ध्यान रखिए कि पपी भी बड़ा होगा, बच्चे भी बड़े होकर चले जाएंगे और कुत्ता जिम्मेदारी बनेगा आपकी। और अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो बेहतर है कि गली में जो कुत्ता है उसे स्ट्रे पेट बना लीजिए, उसको खिलाइए, उसका ध्यान रखिए। जैसे कि वो जिनका स्ट्रे पेट है ना सिर्फ वो उसको खिलाते पिलाते हैं बल्कि उसकी मेडिकल ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। और आज कीबो ठीक होके वापस उन्हीं की केयर में रिलीज हो रहा है। कीबो तू मेरी बीबो। तेरी हो सकता है। कीबो मैं और तू मैचिंग बन जा। ओ सच में मैचिंग बन गई। ये कीबो आपको डॉग है? स्ट्रीट डॉग। फीडिंग करवाने जाता था ना मैं, तो डेली मिलते रहते थे, तो एक दिन उसको गाड़ी वाला हिट कर गया था। फ्रैक्चर तो था ही लेकिन अंदर बहुत इन्फेक्शन भी था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया और अभी तक बोन कम्प्लीटली हील नहीं हो पाई। लेकिन बहुत अच्छा सॉफ्ट कैलस तो बना हुआ है, जितना रेस्ट पे रहेगा उतना अच्छा हील होगा। जो मेन मेडिसिन देनी थी स्किन कंडीशन के लिए वो हम दे चुके हैं इसको ऑलरेडी। तीनों जो डॉग्स आप लेके आए तीनों हेल्दी है ना? खाने पीने का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना? डायरिया वगैरह? मैम हमेशा जुड़ी रहती हैं काफ़ी सारे रेस्क्यूज के थ्रू या फिर अपने खुद के एरिया में वो फीड कराती हैं। 3 फीमेल डॉग्स वो खुद आज लेकर आए हैं अपने एरिया के सर्जरी के लिए। आप लोग हैं तभी तो हम कर पा रहे हैं, क्योंकि करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जहाँ से कहीं से अगर हाथ मिले ना तभी मज़ा आता करने का ना। तो हमें यहाँ से होप है बेसिकली, और यहीं से है और कहीं और से भी नहीं है। अब हमें अस्पताल के लिए चाहिए था एक बड़ा जनरेटर, तो हमने 25 KVA का यूज जनरेटर पंजाब से खरीदा है, जो अभी हमारा यहाँ पे हम रखवा रहे हैं इंस्टॉल, तो संडे को होगा। लेकिन फिर भी हमारे को जो बिजली वाली समस्या निपटानी है वो भी सुलझी नहीं है, क्योंकि गांव में एक व्यक्ति अड़ गए हैं कि भाई वो नए खम्भे नहीं लगने देंगे। हाल ही में हमने एक वीडियो किया जिसमें मैंने कहा कि भाई अग्रेसिव डॉग्स का यूथनेजिया परमिसिबल होना चाहिए। इस बात पे कुछ लोगों को आपत्ति है, उनका कहना यह है कि भाई अगर ऐसी परमिशन मिल गई तो जिन लोगों को कुत्ते नहीं पसंद वो उन्हें मरवा देंगे। देखिए, ये जो डॉग हेटर टाइप लोग हैं ये तो कुत्तों को पीट के घसीट के जला के मार ही रहे हैं। मैं तो उन कुत्तों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में लोगों का मानना है कि वो कटखने हो गए हैं और उनको कोई समाधान चाहिए। अब जब ऐसे कुत्तों के बारे में हमें फ़ोन आता है हम इस स्थिति में कुछ नहीं कर पाते। देखिए, हम एक क्लिनिक हैं, हम एक घायल जानवर को रेस्क्यू करते हैं, उसका उपचार करते हैं और जहां से लाए हैं उसको वहां पे रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे एग्रेसिव एनिमल को अंततः लोग पीट पीट के मार देते हैं। और अगर गैर सरकारी और सरकारी क्लिनिक्स में एग्रेसिव एनिमल्स का यूथनेजिया परमिसिबल हो जाता है तो कम से कम ऐसे जानवरों को एक पेनलेस डेथ मिल सकती है। एक और बात है, जो लोग ना डॉग हेटर्स हैं ना डॉग लवर्स हैं, अगर उनकी जेन्युइन कंप्लेन है कि उनकी गली में कुत्ता कटखना हो गया है और उन्हें आप कोई समाधान नहीं देते, तो
तो अंततः ये लोग भी डॉग हेटर्स बन जाएंगे।